अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी YouTube फैमिली, कैसी हैं? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो यहीं से करते हैं अपना सुबह सुबह व्लॉग का आगाज़। तो यहाँ बन रही है जनाब चाय, चाय हमारी बन रही है। आज हमने सिर्फ चाय और क्या करते हैं कि पापे और केक वगैरह का नाश्ता ही किया है, क्योंकि कुछ जल्दी भी थी कि क्योंकि कहीं बाज़ार वगैरह जाना है, जैसे आपको बताया हुआ है कि शादी है, फिर टाइम हमारे पास इतना बचता नहीं है कि फिर यानी कि नाश्ता वगैरह करें। फिर समेटे समाटे बच्चों को सुबह नाश्ता कर दिया था, वो स्कूल चले गए थे, कॉलेज जाने वाले कॉलेज चले गए, स्कूल जाने वाले स्कूल चले गए। अब जी हमने चाय पी है और यहाँ पे मैं धूप में थोड़ी देर के लिए बैठ गई हूँ। तो ये देखें जी, जो मैंने अब आपको दिखाया था अपने फर्स्ट व्लॉग में, गमला जो मेरा सूख गया था उसमें देखें जी अब गुलाब आ रहा है। जब ये खिलेगा तब भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा था धूप में बैठे, और मेरी नज़र पड़ी तो मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा ग्लो कर गया। फिर ऐसे ही नमाज़ वगैरह पढ़ी है, नीचे आई हूँ। जैसे नीचे आई हूँ तो काम कुछ इतना खास नहीं था, तो कपड़े पड़े हुए थे जो उस दिन धोए थे, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा था। कभी मेहमान आ रहे हैं जा रहे हैं, तो आपको पता है शादी तो बराबर में है, लेकिन फिर भी सिस्टर के साथ बाजार जा ये कर वो कर, बड़ा मुझे मसला बना हुआ है इन दिनों में। वो लोग का भी साथ साथ करना होता है, तो ये भी अब मेरी ड्यूटी एक लगी हुई है। तो मैं कपड़े अलहदा कर रही थी, साथ साथ कपड़ों को तय लगा रही थी। भाभी मेरी कह रही थी कि बाजी आपने जल्दी करो, क्योंकि आज हमने कुछ वो डिसाइड किया हुआ कि कहाँ जाना है। ये भी आगे चल के आपको बताते हैं कि हम कहाँ गए, आपके साथ भी सारे क्लिप शेयर करेंगे। ये मैं कपड़े तय कर रही थी, भाभी से बातें कर रही थी, उसे बता रही थी कि आप ये वो जी ये कपड़े लेके आई है कुछ जो हमने टेलर को देने हैं सिलने के लिए, उन्होंने अपने घर जाना है, ये उनके कपड़े हैं। तो मुझे कह रही थी कि बाजी ये आप ना बाहर निकाल दो। और ये जी मेरी बच्ची का बैग है जिसमें वो पेपरों में साथ लेके जाती थी, बड़ा अच्छा बना हुआ था। तो अब तो पेपर उसके ख़त्म हो गए एग्जाम, तो वह मैं उसको रखने लगी थी, तो मैंने उसमें से चीज़ें निकाली हैं उसकी जो चीज़ें थी। तो बड़ा प्यारा मुझे डोरी में उनमें लगा, तो बड़ा अच्छा भी लगा। इसमें आप बच्चों की पेंसिल वगैरह जो भी चीज़ें रख लें तो बड़ा अच्छा। इसके आगे भी एक बना हुआ है वो खाना सा क्या कहते हैं, तो इसमें पानी वाली बोतल उसको मैं रख लेती थी। तो ये जी हमारी शाम की चाय बन रही है यहाँ पे। आज हमने खाना जल्दी बना लिया था क्योंकि कहीं जाना है, ये आगे चल के बताएंगे कि कहाँ जाना है। ये हम शाम की चाय पी रहे हैं, चाय 2 कप ही बने हैं। बेटी मेरी कहीं काम गई हुई थी, यानी कि खाला के घर बराबर में गई हुई थी, तो ये तैयारियाँ शैयारी में लगी हुई हैं। हमारी चाय को यहाँ पे उबाल आ रहा है अच्छी तरह, तो आज ही हमारी चाय आ गई है नीचे। मेरी बेटी ने कहा जी उसका कुछ गला ख़राब हो रहा है, उसको भी मैंने हाफ कप चाय का दे दिया, साथ उसको मेडिसिन देनी थी। तो जैसे उसको मेडिसिन दी है जी, ये हमारा बन गया क्या कहते हैं जी, हमारा खाना वगैरह रेडी हो चुका है, दाल चावल। तो आज बस हल्का फुल्का ही नाश्ता भी किया है और हल्का फुल्का ही खाना भी खाना है, क्योंकि जाना है कहीं जी जाना है कहीं। आ गए हैं जी हम चेजअप पे आ गए हैं, यहाँ से हमने करनी है कुछ शॉपिंग, और देखे जी हमने क्या लेना है, क्या लिया है, क्या देखा है। यहाँ जी हमने कुछ शॉपिंग करनी है कुछ दुल्हन की कुछ अपनी, और ये कुछ बैग देख रहे हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी थी। किसी ने बताया था कि चेजअप पे अच्छी चीज़ें लगी हुई हैं, तो आप वहाँ का विज़िट करें। तो मैंने कहा चलो, मेरी बेटी मेरी बहन और मेरी कज़न भाभी हम सब लोग गए थे, तो बड़ा मज़ा आया वहाँ पे मॉल पे वीडियो बनाते हुए। तो मैंने कहा क्यों ना वीडियो तो बनाई है, तो अपने अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करें। ये बड़ी अच्छी बैग लिए भी हैं, ये ना आप ये कि बाजी आप दिखाती हैं, लिया कुछ नहीं, यहाँ से चीज़ें ली हैं, आपको घर जाके वो भी दिखाऊंगी। और बैग हैं बड़े प्यारे, यहाँ पे बैगों के कलर बड़े अच्छे थे और डिज़ाइनिंग भी बड़ी अच्छी थी, बच्चों की चीज़ें भी बेहद अच्छी थी। ये मेरी भाभी ने एक बैग लिया है, उन्होंने व्हाइट सूट के साथ जो टेलर को मैंने आपको भी दिखाया था उसके साथ अच्छा लग रहा था। तो अभी डिसाइड कर रहे हैं कौन सा लेना है। तो जी यहाँ जेंट्स पर्स भी थे, मैंने कहा लो जी अपने अपने मियाँ वास्ते पर्स चुक लो, कुछ पैसे पाने वास्ते अच्छा मौका जी, उन्होंने भी खुश कर दंदा। तो ये बच्चों के बैग आ गए हैं यहाँ पे, अच्छी वैरायटी है बैगों की, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने कहा ये भी दिखाती हूँ आप लोगों के साथ, क्लिप शेयर करती हूँ, मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं बैग। अब ये डिसाइड नहीं होता, जब ज़्यादा चीज़ हो ना तो समझ में नहीं आता क्या लें, बस एक पकड़ते थे ये, नहीं नहीं आगे चल के कोई दूसरा पसंद था वो छोड़ देते थे। अब मॉल का चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पे, क्या आ गया जी ये, फिर बैगों की तरफ आ गए हैं। आज हमने लगता है बैग की देखने नहीं देखा तो बहुत कुछ था, लिया भी इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ था, अल्लाह हमें पहनना नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये देखें जी ये अब आगे, एक वाइट पीछे देखा है, अब ये आ गया। मैं इसकी जिप खोल के देख रही थी कि अंदर इससे क्या क्या कितनी पॉकेट है, क्या हम ये चल जाएगा। तो ये मैं देख रही हूँ और आपको भी दिखा रही हूँ, ये भी जी नहीं इसके भी लेना हो गई, ये भी नहीं लेना। चलो आगे, वो जैसे जैसे आगे चल रहे हैं वैसे वैसे वैरायटियाँ ज़्यादा नज़र आ रही हैं, तो फिर वो जो पीछे पसंद आता है वो छोड़ देती हैं, आगे जाके और पकड़ लेती हैं। और मेरे साथ इन्होंने अच्छा खासा ड्रामा लगाया, वो ये लेना ये, मैं कह रही थी भाई जल्दी करो टाइम काफ़ी हुआ, तो गए ही हम तकरीबन 8 बजे थे। तो ये आ गए जी बच्चों के बैग, बेटी भी मेरी साथ थी तो वो देख रही थी मम्मा ये ले दो वो ले दो। मैंने कहा बेटा शादी की शॉपिंग करनी है, ये नहीं लेनी अब। तो यहाँ पे बच्चों की पोनियाँ ये कैचर वगैरह बड़े ज़बरदस्त थे, कुछ लिए हैं मैंने अपनी बेटी के लिए, कैचर लिए हैं पोनियाँ वगैरह
कुछ अच्छी लग गई थी, ले लिया। मैंने कहा चलो सूट के साथ मैचिंग करके वो पहन लेगी। ये जी ग्लासेस वाली आ गई, इन्होंने ग्लासेस वगैरह तो हमने नहीं ली थी, लेकिन सेल्फी इन्होंने बहुत खींची थी वहाँ पे। मैंने कहा चलो बेटा मौजें लग गई हैं, ये ज्वेलरी बक्स लगे हुए हैं बड़े अच्छे थे वो। ये मैंने उसके लिए एक पोनी ली है, मुझे बड़ी पिंक कलर की है, ये लाइट लाइट कलर आ रहा है। यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी बच्चों की थी। ये बच्चों की चेन वगैरह जो गले में डालने के लिए वो हैं, ये की चेन लगी हुई हैं, इसमें भी एक दो ली हैं, जो प्यारी लगी हैं मुझे, बहुत अच्छी लग रही थी। और ये जनाब आ गए हैं, किधर आ गए हैं हम जी, ये कैचर वगैरह सॉक्स वगैरह हैं, काफ़ी वैरायटी है इस मॉल में, बहुत अच्छी वैरायटी है। और चीज़ें भी इतनी स्पेक्स में नहीं हैं, सही हैं। ये आ गए हैं जी ग्लासेस की तरफ, अब ये पहन पहन के देख रही हैं कौन सी लेनी है कौन सी नहीं। मैंने कहा आप माइयों भी ना ग्लासेस लगा के ना, तो आप माइयों डालना लड़की को, तो हंसी मजाक चल रहा था। ये कैचर वगैरह देखे हैं, यहाँ पे जी आ गए हैं कुछ चूड़ियाँ वगैरह, तो ये जिसे कहते हैं कंगन शंगन, ये मेरी भाभी ने लिए हैं, जो उन्होंने पकड़े हुए थे, उनका वाइट सूट है तो उन्होंने उसके साथ वाइट लिए हैं। ये जी कुछ गोल्डन शोल्डन है, ये जी हमने नहीं लेनी है, हमारे काम की नहीं है, पर देखनी ज़रूर है। वो कहते हैं ना जो काम की चीज़ ना हो उसको भी हाथ लगा के देखना होता है, भाई ये लगी हुई हैं। तो मैंने कहा देखो जी देखो, मैं बना रही हूँ वीडियो देखो। लेकिन काफ़ी चीज़ें ली भी हैं जी हमने, मॉल में से ले के भी आई हैं। ऐसी बात नहीं कि हम सिर्फ विंडो शॉपिंग नहीं करते, हमने अपने क्या कहते हैं कि पैसों से शॉपिंग भी की है। तो भी आपको दिखाएंगे। ये कैचर वगैरह लगी हैं, ये कुछ बालियाँ हैं, कुछ बच्चों के टॉप्स हैं लड़कियों जो पहनती शहनती है, खैर हम तो अब बूढ़े हो गए हैं नहीं। ये आ गए हैं जी अब शैम्पू की तरफ, ये देखें जी कौन कौन से शैम्पू लेने हैं, जो मास्क लेने हैं, कैंटीन का शैम्पू और एक मास्क लिया था मेरी बेटी ने, तो उसको वो यूज़ करती है, तो उसको ले वो लेके दिया है। मैंने कहा मामा मेरा ख़त्म हो गया, मैंने कहा बेटा अभी ख़त्म नहीं हुआ अभी है, नहीं मामा ले ले। और ये एक वो अपर देख रही थी, तो इसमें भी एक अपर उसने ली है, यानी कि उसने अच्छा खासा खर्चा मेरा करवा दिया। मैंने कहा वो फैंसी कपड़े तो छोड़ो मामा, वो तो बाद में कर लेंगे, गर्म भी तो पहननी है, क्योंकि जनाब ढोलक वगैरह रखा जाएगा तो उस पर फिर कपड़े चलने हैं, तो गर्म हो गए तो कॉफ़ी वगैरह चलेगी तो मज़ा आएगा फिर। और यहाँ आ गया जीन्स की पेंट की तरफ, अब जो अपर वाली है तो उसके नीचे पेंट तो चलेगी। तो ये जी हम अब जूतों पर आ गए हैं, ये मुझे अच्छे लग रहे, जूते अच्छे लगे हैं, लेकिन ये नहीं लेने, मैंने ब्लैक कलर के लेने थे, तो वो मैं देख रही थी ये कहीं ब्लैक कलर की तीन चार डिज़ाइन लगी हुई है, अब देखें कौन सा इसमें से लेते हैं हम, कौन सा छोड़ते हैं। तो काफ़ी जूते जूते अच्छे लगे हुए थे, और शूज़ भी बच्चों के बड़े ज़बरदस्त थे। और ये जी आ गए जी यानी कि शूज़ की तरफ, और ये मेरी भाभी देख रही थी, बूट देख रही थी कि कौन से इसमें लूँ कौन से। मैंने आपको बताया उन्होंने जाना है, तो वो अपनी भी शॉपिंग साथ साथ कर रही थी और साथ साथ हमारी भी हेल्प कर रही थी कि आप ये लो वो ना लो। और जब क्या कहते हैं बंदे ना जनाब चौखे गए हो ना, तो फिर बड़ा मसला होता है उत्थे मशवरे वारो वारी, ए नहीं लेना ए छोड़ो, वो नहीं लेना वो छोड़ो। वो इतनी सर दर्द लग गई थी, और जैसे घर आए तो घर गैस भी नहीं थी, चाय कहाँ से पीते। फिर सबर शुक्र करके सो गए जनाब। और ये जी स्टालर पे की तरफ आ गए हैं, ये क्या लगे हुए हैं, हाँ जी स्टालर हैं। और हम जी चले गए हैं ऊपर वाले फ्लोर पे, तो वहाँ पे बर्तन थे कुछ, हो बर्तन ज़बरदस्त थे, लेकिन क्या कहें कि हमारी रेंज में से थोड़े दूर थे, जो भी हमने नहीं लेने थे। लेकिन हम अपने अपने बहन भाइयों को तो दिखा सकते हैं जो चीज़ लेनी है जो चीज़ नहीं लेनी, लेकिन वैरायटी बहुत अच्छी थी इनकी, और महंगी भी बहुत ज़्यादा थी। और कुछ मैंने ये बर्तन देखने थे, तो मैंने कहा चलें अब देख लेते हैं, जब लेने होंगे तो आके ले भी लेंगे, पता तो ना माइंड तो बनाओ कि ये चीज़ इतने की है इतने की है। तो ये जी जीन्स की पैंट मैं अपने बेटे के लिए देख रही थी, तो मुझे कुछ पसंद भी आई हैं, कुछ ली भी हैं, आपको दिखाएंगे जाके चीज़ें, जो टाइम लगा तो फिर भी दिखा भी देंगे इंशाल्लाह। ज़रूर कोई ऐसा क्लिप बनाएंगे जिसमें सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। तो पेंट जी अब आप हम तकरीबन आ गए हैं जी 12 बजे घर, और ये जितनी शॉपिंग दिखाई जा रही है वो दिखा रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट में दिखाएंगे। बड़ा थक टूट चुके थे, तो ये मेरी बेटी को मैंने कहा बेटा सुबह इसका क्लिप बना लेंगे, नहीं मामा मैंने अभी इसको शूट करना। मैंने कहा चलो जो भी जो दिखाओ, मैं तो सोने लगी हूँ, मुझे तो बड़ी नींद आ रही है, सुबह बच्चों ने कॉलेज भी जाना है स्कूल भी जाना है। तो फिर वो जो चीज़ें जो उन्होंने छोटी मोटी खरीदी हैं, वो क्योंकि एक मेरी बहन भी गई थी, तो दो हमारी चीज़ें वो क्या कहते हैं शॉप उधर चले गई हैं, कुछ इधर रह गए हैं। तो ये जो खरीदी हैं वो बस छोटी छोटी आप लोगों को दिखा रहे हैं, सूट भी हैं इंशाल्लाह वो भी दिखाऊंगी आपको। ये जी कैचर वगैरह हैं, ये क्या कहते हैं पता नहीं क्या क्या उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था, बस जब बिल बना तो फिर मुझे पता चला कि क्या क्या था। तो मॉल अच्छा हो तो इसका विज़िट करें, यहीं पे ब्लॉग का एंड करती हूँ। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें अच्छे, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।